दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय हो तो जय हिंद नीचे कमेंट कर दें। न्यूज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद आशर एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी आपसे एक ही गुजारिश है कि हमारी वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर करें। नीचे शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले लाहौर कलंदर के मायानाज खिलाड़ी AB डिविलियर्स इंजरी के बाइस पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे एडिशन से बाहर हो गए। लाहौर कलंदर के खिलाड़ी AB डिविलियर्स कमर में दर्द की वजह से टीम को दस्तयाब नहीं होंगे और वो पाकिस्तान आकर इवेंट के मजीद मैचेस का हिस्सा नहीं होंगे। AB डिविलियर्स का अपने बयान में कहना है कि पाकिस्तान में मैचेस मिस करने पर शदीद मायूसी हुई है। मुझे डॉक्टर ने 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है, अगले बरस जरूर पाकिस्तान आऊंगा। डिविलियर्स का मजीद कहना था कि मेरी तमाम तर नेक ख्वाहिशात कलंदर के साथ हैं। लाहौर कलंदर के मैनेजर समीन राणा का कहना है कि डिविलियर्स का पाकिस्तान न आना फैंस के लिए मायूस कुन खबर है। इनकी जल्द से दियाबी के लिए दुआ गो है। साबिक जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी ने लाहौर कलंदर की जानिब से 7 मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 54.50 की ओर से 218 रन बनाए। याद रहे कि इससे कबल लाहौर कलंदर के कप्तान मोहम्मद हफीज को इंजरी के बायस PSL से बाहर होना पड़ा था जिसके बाद डिविलियर्स को कप्तानी सौंपी गई थी। दोस्तों इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के खेल और खिलाड़ी को दुनिया में आला मुकाम अता फरमाए ताकि पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम।